नमस्कार दोस्तों, नॉलेज ऑफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर, ये हमारा रेट एनालिसिस सीरीज का चौथा वीडियो है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कन्वेंशनल शटरिंग का रेट एनालिसिस कैसे करते हैं। कन्वेंशनल शटरिंग, इसमें हम देखेंगे प्लाई यूज करके जो शटरिंग करते हैं उसमें कितना प्लाई लगता है, कितना बैटन्स लगते हैं, कितना रिपीडेशन कंसिडर करते हैं, इसके बारे में हम डिटेल देखेंगे। इसमें जो कॉस्ट कंसिडर किया है उसी रेफरेंस के लिए कंसिडर किया है, ये पुराना कॉस्ट है, करंट रेट के हिसाब से आप रेट एनालिसिस करके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं रेट एनालिसिस ऑफ कन्वेंशनल शटरिंग। रेट एनालिसिस ऑफ शटरिंग वर्क, तो सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है इसको हम देखेंगे। इसमें 12 mm प्लाय हमने कंसीडर किया है, जो 8x4 फीट का रहता है वाटरप्रूफ। उसका रेट हमने 64 रुपये पर स्क्वायर फीट, मतलब 679 रुपीज पर स्क्वायर मीटर कंसीडर किया। उसके बाद जो टिम्बर रहता है, बैटन्स या बलिया हम लोग बोलते हैं, 4 इंची 3 इंची 4 इंची बाय 2 इंची, उसका रेट हमने कंसिडर किया है 550 रुपये क्यूबिक फीट। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सब स्ट्रक्चर में जैसे फाउंडेशन वगैरह रहता है, इसमें भी अपने को जब आइटम डिस्क्रिप्शन नीट क्लियरली पढ़ना है, उसमें क्या क्या मेंशन किया है, कौन सा टाइप का शटरिंग यूज करना है, क्या है उसका डिटेल सब दिया रहता है, वो देख के अपने को आगे जाना है। तो अभी फाउंडेशन का हम देखेंगे। सबसे पहले फाउंडेशन, पेडस्टल, बेसेस, कॉलम्स जो भी रहेगा उसके लिए, उसमें जैसे देखिए इधर आइटम जो भी है, यूनिट है, क्वांटिटी है, रेट है, अमाउंट है, रिमार्क्स है। तो प्लाईवुड कॉस्ट स्क्वायर मीटर में हमने कंसिडर किया, 3% हमने वेस्टेज कंसिडर किया है। ये रेट हमने ऊपर अभी जैसे बात किया उसके हिसाब से प्लाईवुड का रेट 688.90 पर स्क्वायर मीटर, ये अमाउंट आ गया। टिम्बर का है 5% वेस्टेज, 550 रुपये क्यूबिक फीट, ये अमाउंट आ गया। अभी मेकिंग, इसमें कैसा है, कभी कभी शटरिंग का जो था प्लाई और बैटन्स इसको तैयार करना पड़ता है, मतलब प्लाई के पीछे साइड में बैटन्स वगैरह टोक करके उसको जो शेप में चाहिए उसके हिसाब से तैयार करना पड़ता है, इसलिए मेकिंग के चार्जेस 50 रुपये कंसिडर किए। इसके बाद जो कंज्यूमेबल्स है, नेल्स है, बेंडिंग वायर है, शटरिंग वायर है, फोम है, ये सब लमसम इसको हमने 20 रुपये कंसिडर किया, तो 20 हो गया, तो टोटल आ गया अपना 1357.0 सर। अब इसमें प्लाई का हमने 12 रिपीटेशन कंसिडर किया है, तो इसलिए मटेरियल कॉस्ट अपना कितना आ गया, 1357.0 से डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 113.09 रुपये। इसके बाद एमएस सेंटरिंग, पाइप्स, प्रॉप्स, जैक्स, क्लैंप्स, ये फाउंडेशन है तो इसके लिए ज्यादा अपने को नहीं लगता, थोड़ा ही लगता है, इसलिए 25 रुपये हमने कंसिडर किया है। और लेबर कॉस्ट हमने 200 रुपये कंसिडर किया, तो टोटल आ गया अपना 338.09। और इसमें ओवरहेड प्रॉफिट 15% ऐड किया तो 51 रुपये, तो टोटल कॉस्ट आ गया अपनी 379 रुपीज पर स्क्वायर मीटर फाउंडेशन की। इसके बाद हम रिटेनिंग वॉल का देखेंगे। रिटेनिंग वॉल में भी सेम प्लाईवुड 1.05, इसमें कैसा वेस्टेज ज्यादा पकड़ा है, क्योंकि रिटेनिंग वॉल में प्लाईवुड का ज्यादा इस्तेमाल है और दोनों साइड पूरा लगाना पड़ता है वर्टिकल लेंथ के हिसाब से जो भी रहेगा, ये रेट है, ये अमाउंट है। टिम्बर इसमें सबसे ज्यादा रहता है, इसलिए 20% 1.2 कंसिडर किया है 550, और ये 660। इसमें टिम्बर ज्यादा क्यों कंसिडर किया है, बोथ साइड में लगाना है और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एज वेल एज ब्रेसिंग भी लगाना पड़ता है, तो इसलिए टिम्बर का ज्यादा इस्तेमाल किया है। मेकिंग में 60 रुपये कंसिडर किया है। इसके बाद कंज्यूमेबल 20 रुपये, तो टोटल आ गया 1463। रिपीटेशन 10 कंसिडर किया है, तो मटेरियल कॉस्ट आ गई अपनी 146.33। और लेबर कॉस्ट कंसिडर किया 230 रुपये स्क्वायर मीटर। एमएस सेंटरिंग हमने 50 रुपये पकड़ा है, क्योंकि इसमें पाइप्स, प्रॉप्स, ये सब ज्यादा सपोर्टिंग की जरूरत पड़ती है, और टोटल आ गया 426। तो ओवरहेड प्रॉफिट 15% ऐड करके 63.95, टोटल आ गया 490 रुपये। अभी सस्पेंडेड फ्लोर इसमें देखेंगे, स्लैब्स वगैरह कैसे रहता है उसका। प्लाईवुड हमने कंसिडर किया 1.05, रेट ऊपर दिया उसके हिसाब से अमाउंट आ गई। टिम्बर का 1.2 और रेट अमाउंट आ गई। मेकिंग इसमें 2, क्योंकि 2 साइड से हमको बनाना है, बनाना पड़ता है स्लैब्स वगैरह जो भी है अदर, उसके हिसाब से अपने को ज़्यादा मेकिंग करना पड़ता है, इसलिए 2 कंसिडर करके 50 100 कर दिया। कंज्यूमेबल्स 10 25 रुपये कंसिडर किया, तो टोटल लगा 1560। 10 रिपीटेशन कंसिडर किया तो 150। लेबर कॉस्ट 225। एमएस सेंटरिंग स्लैब होने की वजह से एमएस सेंटरिंग ज़्यादा लगेगा, इसलिए 100 रुपये कंसिडर किया है, और टोटल आ गया
अपना 475 रुपये 15 टके ओवर हेड प्रॉफिट ऐड किया तो 71, तो टोटल कॉस्ट हो गया 5747 पर स्क्वायर मीटर। उसके बाद लिंटल बीम, फ्लोर बीम, गर्डर, कैंटिलीवर बीम, इसका कैसे करते हैं। प्लाईवुड 1.05, 5% वेस्टेज रेट 688 और अमाउंट टिम्बर का 15%, 1.15, 550 रेट है, ये अमाउंट आ गया। मेकिंग, इसमें भी मेकिंग के लिए दोनों साइड से करना है, इसलिए 250 रुपीज कंसिडर किया, 100 रुपीज अमाउंट। कंज्यूमेबल 25 रुपये कंसिडर किया, तो टोटल आ गया 1480। 8 रिपीटेशन कंसिडर करके 185.11 आ गया। इसमें लेबर कॉस्ट है 225, स्कैफोल्डिंग का 50 रुपये, टोटल आ गया 460 और ओवरहेड प्रॉफिट 15 रखा और 16 आ गया। इसमें जैसा रिपीटेशन आप अपने मटेरियल के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से आप ले सकते हैं, आप कैसा मटेरियल कैसे यूज करते हैं इसके हिसाब से ले सकते हैं। मैंने इसमें अलग अलग क्यों कंसिडर किया, और हर आइटम का यूज कितना होता है, क्या होता है, कैसे उसका रीयूज कर सकता है, उसके हिसाब से मैंने वो अलग अलग कंसिडर किया है। वे कॉलम्स, कॉलम्स में लिखे हैं प्लाईवुड 1.05 रेट अमाउंट 5% वेस्टेज, इसमें टिम्बर 20%, क्योंकि चारों साइड में टिम्बर का ज़्यादा यूज है, फिर इसलिए 20% रेट अमाउंट। मेकिंग में इसमें टू दोनों साइड है, इसलिए 50 रेट अमाउंट आ गए दो साइड पकड़। कंज्यूमेबल्स 25 रुपये और 10 रिपीटेशन कंसिडर किया है, तो मटेरियल कॉस्ट 150.83, लेबर कॉस्ट 230, एमएस का अकॉर्डिंग 50, तो टोटल आ गया अपना 430.83 रुपये। ओवर हेड प्रॉफिट 15% ऐड किया तो 65, टोटल आ गया 495 रुपये। अब इसमें देखिए कॉर्नाइस, मोल्डिंग या ब्रांड ट्रिप, एक जो कॉर्नर में एक्स्ट्रा कुछ रहता है काम उसके लिए, इसमें प्लाई रहेगा 0.05 रेट अमाउंट, टिम्बर रहेगा 1.20, इसमें रेट है अमाउंट है। मेकिंग इसमें 2.50, क्योंकि अलग अलग शेप का रहता है, कुछ आर्किटेक्चरल अपीयरेंस के लिए भी रहता है, इसलिए मेकिंग का रेट ज्यादा कंसिडर किया। कंज्यूमेबल 1 25 रुपये, ये 25 आ गया, टोटल 1508 आ गया, 10 रिपीटेशन, 150 इसका मटेरियल कॉस्ट आ गया, लेबर कॉस्ट 225 रुपये आ गया, स्कैफोल्डिंग 25 आ गया, तो टोटल 425.83। इसमें 15% हमने ओवरहेड प्रॉफिट कंसिडर किया 64 रुपये, तो 490 आ गए। तो इस हिसाब से हमने ये शटरिंग का रेट इसका निकाला। शटरिंग का रेट निकालते समय एक ध्यान में रखना चाहिए, जो जो एमएस का अकॉर्डिंग है, ए एमएस का अकॉर्डिंग का जनरली ओवरऑल प्रोजेक्ट में क्या क्या लगता है उसके हिसाब से रेट लगाना है। एक्चुअली वो 2500 तक पर स्क्वायर मीटर तक रेट आ सकता है, तो हर आइटम में वो डिवाइड करना है, उसके हिसाब से हमने इधर एक एक सिंगल सिंगल कॉलम वगैरह ये कंसिडर करके अलग अलग डिवाइड किया है। लेकिन ओवरऑल आपका प्रोजेक्ट का टोटल शटरिंग क्वांटिटी कितना है, कितना रिपीटेशन है, तो कितना सेंटर रहेगा, वो निकाल के आपको एमएस का अकॉर्डिंग का रेट या फिर एमएस सेंटर का रेट उसमें ऐड करना है। ये जस्ट आपको एक रेफरेंस के लिए दिया हुआ है एमएस का अकॉर्डिंग का रेट। तो शटरिंग का रेट निकालते समय आप सबसे पहले ध्यान में लीजिए मटेरियल का रेट निकालिए, फिर मेकिंग कंज्यूमेबल्स का रेट निकालिए, फिर उसका रिपीटेशन के हिसाब से मटेरियल कॉस्ट निकालिए, फिर स्कैफोल्डिंग या एमएस सेंटरिंग का रेट निकालिए, और ये सब होने के बाद ओवरहेड प्रॉफिट में इसमें ऐड करके पर स्क्वायर मीटर रेट निकाल सकते हैं। इसमें कुछ आपको समझ में आया होगा ऐसी आशा करता हूँ, फिर भी कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए। तो दोस्तों आपने देखा शटरिंग का रेट एनालिसिस कैसे करते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट कीजिए। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।